हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू एसएस सब्जेक्ट इन आवर 8th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिजास्टर्स. ओके, ऑन द 12th मार्च 2011 कृष्ण सॉ द पिक्चर्स ऑफ अ सुनामी इन द न्यूज़पेपर. 12 मार्च 2011 की बात है. एक लड़की है जिसका नाम था कृष्णा, उसने एक पिक्चर देखी थी सुनामी की, किसमें, न्यूज़पेपर में. आफ्टर रीचिंग स्कूल शी आस्क्ड हर क्लास टीचर. जब वो स्कूल पहुंची, तो उसने अपनी क्लास टीचर से बात की इस बारे में. सर, आई रीड द न्यूज़ अबाउट सुनामी इन द न्यूज़पेपर. हाउ डज अ सुनामी ऑक्योर? सर रिप्लाइड, नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑफ अ टू टाइप. डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एंड अ वॉल्केनो ऑक्योर ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. वेयर एज डिजास्टर्स लाइक अ फ्लड्स, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एक्सेट्रा ऑक्योर ड्यू टू द चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अभी ये चीज़ कहाँ से बताई गई है कि जो डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, वो दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक डिजास्टर जैसा होता है कि अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप वगैरह आना, सुनामी आना, और वॉल्केनो जो फट जाता है वो सब. ठीक है, और दूसरा जो होता है कि अवेयर इज डिजास्टर्स लाइक अ फ्लड, जैसे कि बाढ़ आ जाना, फिर साइक्लोन मीन्स तूफान आ जाना, एकदम से जंगल जो है वो जल जाता है, ड्रॉट हो जाना, ऑक्योर ड्यू टू द चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सर्फेस होता है वो चेंज होता है, उसके हिसाब से डिजास्टर्स नेचुरल डिजास्टर्स से वो हो जाते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल सी द अर्थक्वेक. द वीक अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ सडनली एक्सपीरियंस ट्रिमियर्स इधर ड्यू टू कॉलिशंस ऑफ अ प्लेट्स और ड्यू टू द ट्रिमेडियस प्रेशर्स इन द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ. वेस्ट ट्रिमेडियस ऑफ द अर्थ क्वेक ऑरिजिनेट फ्रॉम हीज हाइपोसेंटर्स विच इज डीप ऑन बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सच सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग इज नोन एज अ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिक सेंटर. ठीक है, जो कि कमज़ोर, जो ऊपर सत्ता का, जो अर्थ का जो भी चीज़ होती है, ठीक है, वो अगर कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ से अर्थक्वेक हो जाता है. अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिक सेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक ऑक्यूर्स ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ. जैसे कि अंदर की जो पार्ट होते हैं उसमें कुछ हलचल मच जाती है, जिससे अर्थक्वेक आ जाती है. द डिस्टर्बेंस ऑन अ सर्फेस ड्यू टू अर्थक्वेक, यहाँ पर आपको एक बताया गया है. एपिक सेंटर क्या होता है, जो मिडल वन होता है वो, और हाइपोसेंटर्स क्या होता है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है. नाउ द सेंस ऑफ रिसर्चेंस ड्यू टू अर्थक्वेक, ऐसे नीचे से वो किस तरह से अर्थक्वेक बनता है वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है. द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिक सेंटर, जो कहाँ से बनती है, आउटवर्ड एपिक सेंटर से बनती है, उस चीज़ को हम अर्थक्वेक कहते हैं जो फैल जाती है. स्प्रेड मीन्स फैल जाना. द पॉइंट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबाउट द हाइपोसेंटर फोकस इज नोन एज द एपिक सेंटर. यहाँ पर जो हाइपोसेंटर फोकस जो होता है उस चीज़ को एपिक सेंटर कहते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द एपिक सेंटर. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिक सेंटर. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक ओपन ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड नाउ इट्स पॉइंट ऑफ ऑरिजिन हाइपोसेंटर विद द हेल्प ऑफ इन सेसिमोग्राफ. देर आर थ्री मेन रीजन्स फॉर द अक्यूरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक कॉज्ड बाय स्ट्राइक स्लिप फॉल्स, अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शंस इन एन एक्टिव सबडक्शंस जोन. इन द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6,371 किलोमीटर्स फॉर फॉर्म अर्थ सरफेस. अर्थ से वो इतना अप्रोक्सीमेटली कैसा है, सेंटर में है. नाउ वॉल्केनो, वॉल्केनो रिफर्स टू एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मोशन लावा, रॉक फ्रैगमेंट्स, एशेस, डस्ट एंड गैसेस आर इजेक्टेड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के बिलो से ये स्टार्ट होता है वॉल्केनो, जो ऊपर से क्या होता है, ओपन होता है अर्थ क्रस्ट के सत्ता से. हाँ, फिर उसके अंदर मोशन का लावा जो होता है उसका मोशन होता है, रॉक होता है, फ्रैगमेंट्स, एशेस, ठीक है, राख वगैरह सब उसके अंदर किस तरह से निकलता है वो आपको इसके अंदर बताया गया है. नाउ द 5.3 डॉर्मेंट वॉल्केनो और 5.4 एक्टिव वॉल्केनो. डॉर्मेंट वॉल्केनो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है धुआं सा, और एक्टिव वॉल्केनो जो यहाँ पर आपको आग का गोला जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो.
वॉल्केनिक इरप्शन सेक्योर ड्यू टू फोर मेन रीजन, चार मेन रीजन से ये वॉल्केनो जो है वो इरेक्ट होता है। हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अंदर से अगर हाई टेम्परेचर होता है उसकी वजह से क्रिएशन ऑफ मगमा, मगमा की वजह से जो क्रिएट होता है वो, क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपियोर, राइजिंग्स ऑफ द मेजिक टूवर्ड्स और दिस सरफेस, द मगमा इज पुश टुवर्ड्स द गैस लाइंग अंडर द मगमा। अब यहाँ पर जैसे कि तीन चीज़ हमें यहाँ बताई गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है सेंस ऑफ ओशिनिक वेव्स ऑफ सुनामी, सुनामी में मीन्स के बाढ़ किस तरह से आती है, सुनामी देखो जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है, पानी का प्रवाह ज़्यादा ओवर हो जाता है जिससे वहाँ की जितना भी जो कुछ भी होती है वो राख हो जाता है, मतलब कि सब नुकसान हो जाता है हमें। ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, हाई ओशिनिक ओशिनिक वेव्स आर क्रिएटेड, दे आर नोन एज सुनामी, दे आर हाई एंड हैव अनमैग्निटेबल लेंथ। सेकेंड 5.6 आप देखो, सेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड, फ्लड मीन्स अब बाढ़, किस तरह से बाढ़ आती है, लोगों के जो छोटे पुराने जो घर होते हैं किस तरह से इस बाढ़ की वजह से नुकसान हो जाता है। द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन ए रिवर इज कॉल्ड वाटर, जब पानी का ज़्यादा प्रवाह का होने लगता है जिससे क्या हो जाती है, बाढ़ आती है। फ्लड एक्यूज ड्यू टू टू रीजन्स, हैवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ ए रिवर, ठीक है, रिवर पे अगर ज़्यादा हैवी रेन होता है, बहुत बड़ी बारिश होती है जिससे रिवर जो होती है वो पूरी तरह से भर जाती है, ओवर हो जाता है, जिससे फिर क्या होने लगता है, बाढ़ चालू हो जाती है। इफ़ अ डैम ऑन अ रिवर ब्रेक, और अगर जो रिवर पे जो ब्रेक डैम बनाते हैं वो टूट जाता है तो उससे भी फ्लड शुरू हो जाता है इन द लो लाइन एरियाज ऑन द रिवर बैंक। अब नेम ऑफ द रिवर, फ्लड इफेक्टेड एरिया और ईयर, यहाँ पे साल बताया गया है कौन से साल पे किस जगह पे फ्लड स्टार्ट हुआ था, कौन से रिवर में, तो गंगा, यमुना, नॉर्थ इंडिया इन 1978, मच्छू मोरबी इन 1979, तापी जो है वो सूरत में 2006, कोशी है बिहार 2008। नाउ द सीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फैमिन, अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सूखा सूखा सा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्यों वहाँ पे एक्चुअली जो पानी होता है वो पानी उनको नहीं मिलता है। स्कैंसिटी रेनफॉल लीड्स टू द ड्राइंग अप ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, अब यहाँ पर क्या है, ये सूखा सूखा जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है, एक तरह का जो फैमिन जो है वहाँ पर रेनफॉल की कमी होती है, बारिश का जो होता है वो चीज़ वहाँ पर कमी के वजह से वो ड्राई हो जाती है, पूरी जो ज़मीन होती है वो सूख जाती है, जिसकी वजह से ना वो कोई चीज़ का प्लांटेशन कर सकते हैं, ना फार्मिंग कर सकते हैं, ना उन्हें कोई भी तरह का पानी मिल सकता है। दिस कंडीशन इज नोन एज फैमिन, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फैमिन कहते हैं। द कंडीशंस ऑफ फैमिन अक्योर्स इन केस ऑफ स्कैंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल, जिसकी वजह से स्कैंटी रेनफॉल मीन्स कि इसका बारिश का नामो निशान भी वहाँ पर नहीं होता है, 2 से 3 साल सक्सेसफुली, नो रेनफॉल फॉर 2 to 3 years सक्सेसफुली, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फैमिन इज लेस इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज। ना साइक्लोन, साइक्लोन मीन्स क्या होता है, एक तरह का तूफान जो आता है, तूफान में काफ़ी लोगों के जो घर वगैरह होते हैं वो उस तूफान में टूट जाते हैं, ठीक है। द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इन इज एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड, ओके, मैंने जैसे बताया आपको तूफान कहते हैं उसे, जो हवा बहुत ज़्यादा स्पीड में जाती हो उस चीज़ को कहते हैं साइक्लोन। इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म ऑफ विंड, विंड द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन्स एवरी ईयर, द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंसेस इट वेरी एवरी ईयर, द एडजेसेंट रीजन्स ऑल्सो फील द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स व्हेन इट इज एट इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी, However, these winds affect a limited area for a limited period of a time only. Now, scenes of forest fire. Scenes of forest fire में क्या बताया गया है? Frictions between dry branches. ठीक है, जो सूखी हुई जो branches होती है trees की and other factors causes forest fire. इससे क्या होता है, जल्दी से आग पकड़ा जाती है, क्यों, गर्मी की वजह से जो सूखे हुए जो ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है उनमें एकदम से आग लग जाती है, इट कॉजेज ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। नाउ द लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड में क्या है, द स्लाइडिंग ऑफ अ लार्ज मास ऑफ रॉक मटेरियल सॉइल,
मिट्टी का, ठीक है. डाउन द साइड ऑफ ए माउंटेन्स ऑफ अ क्लिफ इज टर्मिनल एज लैंडस्लाइड. टू फैक्टर कॉज लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल और एन अर्थक्वेक. फॉर एग्जाम्पल्स, इन द रेनी सीजन द रेन फ्लेम द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन कोकन गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू द लैंडस्लाइड.